अरे हर द्वारी पर से हर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रस क्यों काल हमें आजमगढ़ जिले के गोसाई बाजार से आया है और हमें ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर कोई सांप दिखा गया है। उसको निकालने के लिए इन्होंने एक बाबा जी को बुलाया है जो कि मंत्र से सांपों को निकालने का काम करते हैं। एक्चुअली इनके घर में कई बार सांप निकला है इसके पहले और इन्होंने इन्हीं बाबा जी को बुलाया और हर बार वो इनके घर से सांप को निकाल कर लेके जाते हैं। बदले में इनसे कुछ पैसे जैसे कि 2 या 3 हज़ार रुपये ले लिया करते हैं। एक ही घर में बार बार सांप निकलने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और इस बार इन्हें कहीं से हमारे बारे में पता चला और इन्होंने हमें भी कॉल करके बुलाया। तो हमने इनको बोला कि पहले बाबा जी को सांप को ढूंढने देते हैं, उनको रेस्क्यू करने देते हैं, अगर वो निकाल लेते तो बहुत बढ़िया बात है, उसके बाद हम लोग भी ट्राई करेंगे सांप को ढूंढने का। तो चलिए देखते हैं बाबा जी कैसे मंत्र के द्वारा सांप को बाहर निकालते हैं। सब लोग इकट्ठा दो दिन है। लकड़ी को सामने हटा रहे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाबा जी कोई मंत्र पढ़ रहे हैं सांप को बुलाने के लिए। और पते की बात यह है कि इसके पहले भी ये ठीक इसी तरह से तकरीबन 10 बार इस घर में से सांप निकाल चुके हैं और हर बार इन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज लिया। अगर हम लोग 2 हज़ार रुपये भी कैलकुलेट करें तो 10 बार में लगभग इन्होंने 20 हज़ार रुपये लिया है इन लोगों से सांप निकालने का इसी घर से। अच्छा
और जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं, ये बाबा जी सांपों को ये भी कह रहे हैं कि बाहर चले आओ, ना तो हम तुम्हें मारेंगे ना ही गाली देंगे, तुम्हें एक बहुत बड़े जंगल में, सवा कोस के जंगल में छोड़ देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सांपों की सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, और जिस हिसाब से ये बाबा जी इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि सांप को सुनाई देगा, लेकिन ये बुला रहे हैं तो हम लोग देखते हैं सांप इनकी आवाज़ सुन करके या फिर इनके मंत्र सुन करके बाहर आता है या फिर नहीं आता है। तो जो भी होता है वीडियो में आप लोग भी देखेंगे, आगे हम लोग भी देखते हैं। चला भैया, तू देखा भी कहीं चढ़ल भी कहीं निकल गया, ओहरा छिलावा ला ओहरा जाला ना। अब ना हर तो कैसे का करे, निकल गए बाबा, कंफर्म है एकदम निकल गए? हाँ हो, अगर रहा तो पकड़ा ना जा, और एकदम साफ है, एकदम कुछ टरवाऊ दे दिया। हाँ वो तो ठीक है, मंतरिया से तो लोग बता नहीं नहीं आई ज्यादा क्या कर रही है, अगर हट तो आ गया, मतलब मंतर से ना होगा कुछ ना 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 ही तो पैदा छोड़ो करे। अच्छा लेकिन बता देना लोग कि देख लिए भाई ना, देखा है कि तो 5 मिनट में देखा, हवा रूपी है भैया, अच्छा पंछी है नुकर कौन ठिकाना ना। अच्छा अच्छा बाबा ये कह रहे लिया कि रहला तो मंत्र से आ जाला, अगर रही तो आ जाए ना रही ना जाए, मत तो ना तो से अगर हाथ के पकड़े ना ना पकड़ ले खाली, तू तो बता दे ला खाली, सुन सुन के बता दे, सुन के बता दे ना, खुलल थोड़ी ना खिड़की, खुलने में जाली लगल है, जाली में
जब ना हो तो कैसे कहाँ से लोगन के बता रहा कि मंत्र इंतर से सांप ना निकला निकला ला सांप आप निकला मंत्र से नहीं हूँ ना अमन क्यों ना आप ही बता रहे लोग से कि मंत्र से सांप ना निकला मंत्र से सांप निकला ला कि ना बाबा तो एक जगह आओ सांप कन्फर्म यहाँ तू तू निकाले बा मंत्र से यहाँ तो एक पहले आ लला चाचा बता देना कि तीन चार बार आप निकले बा मंत्र से ओइसो पकड़ ले तुरंत घर में तुरंत निकाल ले नहीं आज कैसे कितना देरी ले राणा आप कमल कल से मान के लगा ऐसा हमार बात 15 मिनट से ऊपर होगा लो सुना बाबा बात सुना देखा बाबा का कथा हमार बात पहले सुना कहीं ना रहल देखा भैया के में रहल बोरक तरे हुनकर पकड़ के ले गई दुदु दा देखा गोदाम में रहा आज रहा में कभी कर जाला ना लिया ना खर्चा बरचा चली था अच्छा हां हां हवा में आओ ना ही कुल हटायो कहां जगह जगह वहां रहा है अरे किताब काफी जगह में कुल हां तो परोली तो पकड़ चली ला जाना परोली तो हां आज के बारे ना अटल दादा पकड़ के लेके ना आज हमने संगे संगे मोबाइल लेके लगा लली है अरे जब ना रही तो का अरे जदन के खली बना की तो का अरे अरे बहुत जात बना अरे का तुमने कहबो ना कि लो जा करता है ला हां तो पूछा कहां हो तुम तो दिल्ली ना सारा हाल में की पैसा ना पटनिया में चल जा दिल्ली तो ना कहां रहा ना दिल्ली दिल्ली पटनिया पहले गलिया काटवावा आओ ना हजा हटा के देख ला आज छोड़ा ना पवला लगना चाचा नहीं नहीं यार ये काम ना करा ना ही जरूर करा ना तो निकालना निकल गया तब देखा हुनके रहल बोरा के नीचे पकड़ के लिए आई चड्डी पहले बार ना पहले देखा नहीं ना चड्डी ना पहने नहीं मतलब ये लोग चड्डी नहीं पहने रहते हैं ऐसे आगे ऊपर से करियो ऊपर से रुका 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 तनी सब तनी देख लो जा और ना कुछ आगे वहां बस आगे चक्री आगे इधर खाई रखने वाला साहब हां रुक अब दिखा दे रुक जा रुक जा यही इधर आओ कपड़ा निकाल दे अब चेक करते साफ रखे हां साफ रख ले वरना रुक जा थोड़ा उजाले में चलिए तो आइए नहीं नहीं रे बारे मत बारे मत यहां उजाला आ रहा है पूरा उजाला है यहां पूरा उजाला है आराम से आराम से रिलैक्स हो खड़े होइए आप खड़े होइए हां चलो चलो बंद करो भाई नहीं वो हर ना उधर नहीं नहीं सबके सामने ना घर में नहीं सबके सामने सबके सामने ही रुक जा बाबा खड़ा हो जा बाबा खड़ा हो जा खड़ा हो जा चाचा करो खड़ा हो जा अरे चाचा खड़ा हो जा बाबा बाबा खड़ा हो जा खड़े जा नहीं तो मैं हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा बाबा खड़ा हो जा नहीं चाचा हम लोग देखिए बाबा अगर ना खड़ा होगा ना मन बाप प्यासे तो के जेल जाए पड़े खड़ा हो जा कुल अच्छे से बता दो सारी बात तो होने सारी बात बता दो घर में नहीं नहीं घर में नहीं जाएंगे नहीं बाबा घर में ना घर में ना घर में नहीं आप खड़े होइए यहां उजाला ना खड़ा हो जा बस खड़े होइए बस खड़ा जाने कर देख लो आप खोलिए हां आप लोग तो उधर खड़े हो हां अपने अपने से निकलवा पाओगे हमने निकाल दो जा अपने से खोलवा के हमने निकाल दो अपने से निकलवा पाओगे हमने निकाल दो जा डोंट ट्रिक खोला सांप जो अपने से निकलवा के हमने निकाल दो जा अब मत देखा सांप छुपे ना मत देखो खोल के दिखावा कैसे निकला नहीं आप रुक जा अब ओके खोल के दिखा दो ना खोल के दिखा दा देखिए कैसे बांधे थे एमन एमन पहले सांप दिखाओ पहले सांप देखो एमन सांप रख ले हम पहले से ये देखिए इसको ऐसा यहां से बांधते हैं बस इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे ये देखा है ये सकल मुट्ठी देखिए कैसा लगा हुआ देखा ना ये क्यों करेंगे ऐसा ऐसे करेंगे सांप गिर जाए देख रही है अब देखा है कर चार गिर गया है देखे आप यही तरह सांप निकाला ना हमेशा घरे में मौका मिलता आप देखिए नहीं अभी बाबा चाचा रुक गया हमें जो है देखिए अभी आपको कोई इतराज नहीं है कि आप जो है कमा रहे हैं हाँ तो गलत कमाते हो बाबा ना गलत लोगों को अंधविश्वास फैला रहे हैं हम लोग इसीलिए दांत तोड़ दो हाँ इसका दांत तोड़ा हुआ है इसका पूरा दांत तोड़े हुए हैं इसका जो देख रहे हैं वेनम ग्लैड होता है जर की थैली वो भी निकाला गया जो थैली होती है ये पूरा निकाले रहते हैं इनका चार बार बार आपका निकाल के ले गए ना ऐसे ही निकाल के ले गए आज क्यों नहीं निकाले आज हम लोग इनके पीछे पीछे साथ में थे पीछे पीछे इनको एक भी बार मौका नहीं मिला का मौका पाए नहीं लास्ट में बोलना है कि नहीं है भाग गया हाँ तो ये हमारा जो निकाल के ले आते हाँ निश्चित हो जाते मेरी बात सुन हाँ अब फिर वो सांप के घर में किसी काट ले वही बात ना और दुर्घटना भी हो जाती आप लोग क्या होता है कि आप लोग निश्चिंत होकर आराम से रहते सोते उठते बैठते देखिए होता क्या है कि हर बार आपके घर में आते जब आप लोग फोन करते हैं तो ये इसी ट्रिक से सांप निकालते हैं और आप लोग उसे पैसा लेकर के चले जाते हैं हमेशा हम लोग को सारा कुछ पता था सारा इन लोग पकड़ते हैं इसीलिए हम लोग बताते हैं कि हमें हम चाचा नहीं है हम
हमको इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें केवल बस ये लोग अच्छे से लोगों को सही काम करें, सही काम करें, हमें इनसे कोई पीला सिखवा नहीं है, कमाइए खाइए लेकिन सही काम करिए। इससे लोगों में अंधविश्वास फैलता है, लोग क्या बोलते हैं कि जब मंत्र से सांप बाहर निकल सकता है तो इसका काटा हुआ जहर भी मंत्र से उतर जाएगा, तो लोग क्या करते हैं कि जब सांप काटता है तो चले जाते हैं झाड़ फूक करवाने, उसी में उनकी मौत हो जाती है। जब जहरीला सांप काटा रहेगा तो मौत हो जाएगी। आप लोग झाड़ फूक करते हैं ना, झाड़ फूक करते हैं ना, अच्छा झाड़ फूक से सही होता है नहीं सही होता नस्तर मार देंगे, जड़ी उड़ी रहेगा, जड़ी से पीने से सही हो जाएंगे बाबा। खीर फिर आप गलत बता रहे हैं, जड़ी से सांप को ढीला करेंगे। हाँ तो हर बार आते थे सांप निकाल देते थे हर बार, एक बार दूर निकलना, एक अच्छा कैसे निकालते थे, जब जाते थे निकालने तो आप लोगों को बाहर जाने के लिए कहते थे कि हट जा कहीं सांस गला, तो देखिए ये डर का नाजायज फायदा उठाते थे। इनको पता था, अभी हमको भी डर आ रहा था कि दरवाजे से हट जाओ, इनको क्या पता कि हम लोग दिन रात सांपों के बीच रहते हैं, कैसे दरवाजे से हट जाओ कहीं से भी मतलब कैसे भी आ सकता है। हम लोग हटते हैं, इनको मौका मिलता है ये तुरंत वो गांठ खींचते, सांप नीचे गिरता और ये काम करके आपसे 2,000-3,000 रुपए फालतू के चार्ज करते हैं। सांप जाके फिर रख लेते हैं जी हाँ, लेकिन जो सांप हम लोग घर देखे अपने, हाँ तो सब कहा जाता है वो सांप आपके घर में, घर में रहता है या कहीं चला जाता है खुद से, या तो घर में रहता है या खुद से कहीं चलाता है। सांप जो है ना, जैसे देखिए सांप आपके घर में पैदा तो हुआ नहीं, कहीं से आया है, जिस रास्ते से वो आ सकता है उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे आया, एक्चुअली आप लोग का क्या है ना, ये कापी किताब या किराने की दुकान, इसमें चूहे ज्यादा रहते हैं, आपके घर में चूहा बहुत ज्यादा रहते होंगे, तो आपके घर में सांप अपने भोजन के लिए आते हैं, चूहा खाने के लिए, और अगर वो चूहा खा लिया तो आपके घर से निकल भी जाएगा, वो चला जाता है। आप लोग देखे रहते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ये लोग वही सेम काम करके आप लोग पैसा लेते हैं। नहीं पकड़ना जानते हैं लोग, अगर दिख जाएगा तो पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है, पकड़ना जानते हैं लोग सांप को कैसे हैंडल किया जाता है, ये लोग जानते हैं। जैसे नहीं मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा तो ही निकाल लेंगे, आए हैं तो उनका खर्च तो चाहिए ना, और आदमी खुद स्वेच्छा दे देगा बेचारा, लेकिन नहीं समझते हैं ना लोग, जो मुबारकपुर में पकड़ा गया इन्हीं लोग के गैंग का था ना, 15,000-12,000 रूपया लिया गजना के, कहाँ का है, क्या नाम है, कोयलरी कहाँ का मेरे इधर, लेकिन ये ना गलत करते भैया, आप बताइए कि आप निश्चिंत हो जा रहे हैं, आप निश्चिंत हो जा रहे हैं, बाबा रुक जाइए, आप निश्चिंत हो जा रहे हैं, फिर आपके घर से सांप लेके चले जा रहे हैं, हो सकता है बच्चों जो किसी को काट ले जाए, रीला साहब ये तो मर जाने वाला है, इसका तो दांत तोड़ दिया इसका भी, देखिए इसका दांत तोड़ दिया है, लेकिन आप लोग ये जो काम करते हैं देखिए मर जाने वाला है, देखिए ना आपके विश्वास का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये कितना दिन चलेगा फिर मर जाएगा, बस 50-60 दिन चलते हैं, जब एक बार लोग दांत तोड़ देते हैं 50-60 दिन तक ये लोग कम से कम 30-40 लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, 40,000 रुपए लूटेंगे, फिर बेचारा मर जाएगा, फिर किसी दूसरे सांप का ये दुर्दशा करेंगे, ये गलत करें। बाबा अब तू अपने मोहे कुल बात सही से सबके बता दा, ये वीडियो में बता दा कि का होला कैसे होला, मंत्र से सांप निकला कि ना निकला, का करा तब तो ठीक हो बाबा, अपने बताओ बाबा, इधर देखिए जोर से, नहीं एमन बताओ, एमन सबके बतावा, हमने जाना थी, सब ने जाना था, बताओ मंत्र से सांप निकलता है नहीं निकलता है ना, सर से बोलिए नहीं निकलता है। बाबा आपका पूरा तरीका का कैसे आप सांप निकला नहीं बता दे, राजी खुशी हमने क्या आपसे कौन दिक्कत है, हाँ बतावा ना एक्सप्लेन करके बतावा, मतलब कि आप लोग अपन सांप छोड़ के निकाल ले वाला और पैसा ले वाला, उसे का वाला कि आदमी का मतलब जो मन में भरम डाला वो खत्म हो जाला, यह है ना, लेकिन बाबा ओकर देखा ओकर एट फायदा था कि आदमी का भरम खत्म हो जाला, लेकिन ओकर एटे बहुत बड़ा नुकसान है कि आदमी भरम खत्म होने की वजह से निश्चिंत हो जाए और अगर घरे में सांप वाप रही कहीं हाथे घोड़े पड़ जाए काट ले तो जान भी जा सकला, आदमी के लगी कि सांप तो चल गए लेकिन सांप तो घर में रह जाला असली वाला, आप लोग निकाला लापन वाला, तो बाबा हम आपके बता देते, देखा आपने ये काम मत करल करा, आप आवा सांप खोजा, सांप मिला था तब वो ठीक है, ना मिला था तब वो बतावा कि भैया ना मिला था, ना मिला था पैसा ना मिला था पूरा रहा। तेल पानी का कुछ खर्चा था, लेकिन अरे सांप बांध के लिए आए कि छोड़ा, अगर हमने आज ना रहती तो आज तू छोड़ ले रहा था, फिर का पैसा ले रहा था, ये गलत बात है बाबा, ठीक है लास्ट वाल वार्निंग दे दिया, हमने लेकिन पता रहा लोग के बारे में कि लोग सांप तोड़ के रख ले हैं। अगर देखा आपका वीडियो बना था ठीक है, और एक हमने लोगों तक भेजल भी आई, एक सब देखी पूरा क्षेत्र में पूरा देश में पूरा गांव में सब देखी, तो कहीं और जीबा और गलत करबा, और हमने के सूचना मिली बाबा तब हमने आपके खिलाफ पुलिस में कम्प्लेन कर ली कि बाबा गलत काम करते हूँ, गलत अंधविश्वास फैला हुआ था, तो आप भी काम छोड़ दा, और आप अहिला कैसे अपने घर से, आप अपने घर से अहिला कैसे बाइक से, कितना दूरी हुई, कितना दूरी हुई, 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इनका फ्यूल का खर्चा आया होगा, तो इनका तोके बाबा तेल का खर्चा तो आ दिया, जो लगा तो तेल का खर्चा दिया जाता
बस तेल का खर्चा ही ना, ये गलत काम बदे ना, काम बदे ना, केवल तेल का खर्च दे रहा मैं। हाँ क्यों आज फालतू को तेल का नुकसान जाए। तेल का खर्च ले ला ये बाबा, बस थोड़े तेल बदे दिया था कि बस सोचा कि फिर दोबारा काम करवा, ठीक है बाबा। बाबा सुना सुना, अगर अगली बार आप गलत काम करत गिरा तो हमने ही जेल करवावल जी, इतना बारी तेल का पैसा दे ले, अगली बार हमने जेल करवा एकदम फुल एंड फाइनल वार्निंग बाबा। जहाँ लाभ उम्र में बड़ा हुआ ना था, आपके कुछ गलत बना था ना बोलत बना था, और आप लोग जान ला कि इनके चक्कर में एकदम मत पड़िया। सांप घरे में रही, लोगों ने अलर्ट रहा, जागरूक रहा, चली सांप घर में रही, आप लोग कम से कम जागरूक कर बात, घरे में सांप हो, ये लोग के चक्कर में पड़वा, ये लोग जान ले, ये लोग के चक्कर में पड़ा। थैली कितना, रुके रुके थोड़ा सा चेक कर लिया, नहीं रुक जाओ मैं देख जाऊ ना, कितनी थैली ली, अरे इसमें और भी सब ली है, और सांप सब सब लीजिए। अरे बाप रे, और देखिए और देखिए और देखिए, और निकाला बाबा, और निकाला किसका, गुड्डू मोरे जी जी, हाँ यूट्यूब वाले गुड्डू मोरे। हाँ इनसे इनसे इनका झोला जब्त कर लीजिए, पूरा झोला ले लीजिए, सारा सारा झोला ले लीजिए। और ये देखा है, कह जाने की बेवकूफ बनी था, सबके घर में सांप छोड़ता निकलता है, बिना जहर का होता है, इसका नाम कॉमन ट्रेंड हुआ है, इसको लोग बोलेंगे चीतर है, चीतर है। अभी बाबा रखा 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 रखा, बता रहा ना, हम लोग बता दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, जड़ी का होता है, ये सब बिना जहर के होते हैं। हाँ रुक जा, और चेक करिए, हम लोग मेहनतपुर के रहने वाले हैं, आप और बैग चेक करिए, अभी इंट्रोडक्शन भैया बाद में कर लेंगे, पहले मेन काम कर लेने दीजिए, अब इनका और बैग चेक करिए, अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अरे देखा भैया, कुछ जहरीला सांप ना होने, अरे आप चिंता मत करो, दोनों जहरीला है, लेकिन जहर का छोड़ते नहीं उसको। हाँ वो दोनों जो जहरीला है, अगर उसका दांत और वो वेनम जैक रहता तो जहरीला से जहर ही निकाल दिए ना। कौन जहरीला भैया, वो जो दोनों कोबरा है वो जहरीला, लेकिन उसका जहर ही निकाल दीजिए, झोला पूरा लीजिए, झोला फेंक दीजिए सब, स्पेक्टिकल कोबरा दो रस को चलिए, हाँ सब झोला डिस्चार्ज कर दीजिए। आदमी बहुत धूप किया है आपका, बुढ़वन बुजुर्ग मन, हाँ तो अब से आप लोग इनके चक्कर मत पड़िया, सांप कोई मंत्र मंत्र से नहीं आता है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, इसी मंत्र से सांप नहीं आएगा, दिमाग में रख लीजिए आप लोग, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए। सांप दिखा है आप लोग फोटो खींच के हमने भेजा, हमने आके निकाला जाए, सामान हटा के पूरा निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क, कोनो पैसा नहीं देगा। दो चीतर है, दो सैनिक हुआ है, दो चीतर है, दो कोबरा है, ऊपर से गर्मी बेगर्मी में दुर्दशा कर रहे हैं, पानी है पानी पानी, पूरी तरह से फर्जी दादा, अभी तक आपको नहीं समझा है, पूरी तरह से फर्जी, हम लोग पीछे एकदम चिपके हुए थे चुंबक की तरह, अंधेरे में जा रहा, हाँ तो बिला किया जब मंजू उठाया ना, जब लुंगी हम लोग जो है बाबा रूप घबरा मत, ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज दी नॉर्मल वाला छोटा वाला, जानकारी इतना ड्रामा ही नहीं करते अगर उनको पता रहता, कहते पहले कहते नहीं निकल जाते, पकड़ा तुरंत भाग गए, अब अरे 10,000 से ज्यादा तो इन्हीं से लिए हैं जिनका दुकान है, ज्यादा लिए लग रहा है, पिएगा पिएगा
पी रहा है। हाँ थोड़ा हवा उजाला होता है थोड़ा। चलिए नहीं पी रहे तो बाद में सबको फीड करके छोड़ दिया जाएगा। पी रहा ना? हाँ पी रहा है। इन दोनों को रखने के बाद उनको पिला दीगा। अरे सब डिहाइड्रेटेड है बहुत ही, इनके शरीर में पानी की भी कमी पड़ गई है। कुछ जब तक पैसा बना पाएंगे तब तक बना पाएंगे, मर जाएगा दूसरा उठा लेंगे वो लोग। हाँ इसका बीस निकाल दिया। कोई नहीं। इन दोनों को रखिए, कोबराज को फिर इसको पिला के रखिए। अब नहीं पियेंगे सर। रखिए एक और बैग निकालो, एक और बैग। हाँ ये दोनों कोबरा है नाग जिसको बोलते हैं। नहीं यही ऐसा निकाल दो एक। इन दोनों को फीड करिए, देखिए पीते हैं सब ग्लूकोज। एक तरफ से उसको पिलाइए। सभी जानकारी मिलकर दो हजार में 1500 रुपया बहुत उसके बारह पिला। जब गजरवा में मोट का फेंकड़ा तो मुझे संदेह है लेके कैसे कैसे कपड़ा नहीं पी रहे। रखे दोनों रखे गरम हाल पीस नहीं लिया अरे नहीं रहते तुम लोग उनको जेल में डलवा देते, पुलिस कंप्लेन करके तुरंत उनको थाने में बंद कर देते। नहीं अब बूढ़े थे ना, उम्र में बड़े थे ना, उम्र का भी लिहाज करना है ना। सही सही बोलता ना। हाँ चलिए देखते हैं, ये झोला आप लोग फेंकवा दीजिएगा इसको, मतलब खत्म करवा दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग चारों सांपों को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये जगह इनके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है और अभी गर्मियों का महीना चल रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में इन्हें छुपने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। इसलिए हम लोग रैपस्कैट सैंड बॉयज को इन बिल के अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि ये सांप बहुत धीमे होते हैं, ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ऐसे में अगर हम लोग उसको बाहर छोड़ेंगे तो इनकी गर्मी की वजह से भी जान जा सकती है, इसलिए हम लोग इन्हें बिल के अंदर छोड़ रहे हैं ताकि ये अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाए। बाकी जो कोबराज होते हैं वो चलने फिरने में तेज होते हैं, उन्हें हम कहीं भी छोड़ देंगे, लेकिन इनके लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना हमारी जिम्मेदारी होती है। मंदिर से सांप निकालने वाले व्यक्ति के जाने के बाद हमने उनके घर में सांप को ढूंढा, लेकिन सांप हमें नहीं मिला, शायद से सांप कहीं पर चला गया था। और हम लोग फिलहाल अभी इन सांपों को रिलीज कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं एक सांप बिल के अंदर चला गया है, अभी यहाँ पर दूसरा भी बिल के अंदर जा रहा है। यहाँ पर ऐसे ढंग से रह लेंगे और ये धूप और गर्मी से बचे रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं शायद एक सांप बाहर आ रहा है। और यहाँ पर इन दोनों सांपों को रिलीज़ करने के बाद हम लोग इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज को भी रिलीज़ कर देंगे। इन दोनों सांपों को यहीं पर छोड़ने के बाद हम लोग थोड़ी सी दूरी पर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को भी रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर पीने के लिए पानी अवेलेबल है, जिससे कि जितने भी दिन तक यहाँ पर रहेंगे पानी वगैरह इनको मिलता रहेगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे ले कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।